पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरचरण सिंह बराड़ की बहू करण कौर को मुक्तर से उतारा है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के भतीजे स्मिथ सिंह को अमरगढ़ से टिकट मिला है। वहीं राज्य के पूर्व मंत्री अश्विनी सेखरी को बटाला विधानसभा से टिकट मिला है। फिरोजपुर ग्रामीण से आसू बांगर, फजिलका से देवेंद्र गुबिया, गुरु हरसराय से विजय कालरा, सहानेवाल से विक्रम बाजवा, कावटकापुर से अजय पाल सिंह संधू को उम्मीदवार बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कमलेश दिवाकर के खिलाफ कोविड नियमों और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। ये FIR तब दर्ज की गई जब उनके खिलाफ एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो लोगों को पैसा बांटते दिख रहे थे। FIR में सपा प्रत्याशी समेत कुल 20 नामों के कांग्रेस से लगातार नेताओं के जाने के सिलसिले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम गहलोत ने कहा है कि पार्टी छोड़कर जाने वाले का सभी का स्वागत है तो आने वालों का भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को अमेठी से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर केंद्र मंत्री अमित शाह की जाट नेताओं के साथ अहम बैठक होने जा रही है। किसान नेता जगतार बाजवा और उनकी पत्नी सुनीता टामटा बाजवा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोनों को पार्टी में शामिल कराया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना देश के गणतंत्र बनाने के एक दिन पहले हुई क्योंकि हमारे देश संविधान निर्माता जानते थे कि जीवंत लोकतंत्र में तभी संभव है जब निष्पक्ष चुनाव हो। पीएम ने आगे कहा है 1950 से लेकर आज तक हमारे चुनाव आयोग ने अपनी सार्थकता को साबित किया है। हमारे चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया विभिन्न देशों के लिए एक बेंचमार्क की तरह है। हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतेश्वरानंद के नामांकन में शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा है हम अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं। पूरे उत्तराखंड में इस बार हमने जो 60 के पार का नारा दिया है वो पूरा होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शेष उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की केंद्र चुनाव समिति की काफी समय से मंथन जारी है। जानकारी के मुताबिक लगभग 80 मौजूद विधायक को हटाए जाने की संभावना है और कुल मिलाकर लगभग एक दर्जन सीटों में बदलाव किया जा सकता है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक बीजेपी ने 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। वहीं राज्य नेतृत्व द्वारा कुछ नए नामों पर मंथन चल रहा है। उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने देहरादून स्थित प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश नेताओं के साथ 11 सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया। कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 100 सीटों के लिए उम्मीदवारों पर फैसला जल्द कर सकती है। इसी कड़ी में कांग्रेस 100 सीटों के लिए उम्मीदवारों का फैसला करने के लिए केंद्र चुनाव समिति की बैठक करेगी। पंजाब कांग्रेस उम्मीदवारों के शेष 31 नामों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू और सीएम चन्नी में ठन गई है। इसी वजह से CEC की बैठक में इन नामों पर सहमति नहीं बन सकी।